हेडलाइंस के बाद शुरुआत खबरों की। घटना जनपद मैनपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र के सेंट थॉम स्कूल के सामने की, जहां 12 साल की मासूम चेतना को उसके सगे चाचा ने गोली मार दी। घटना को शराब के नशे में अंजाम दिया गया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी चाचा मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद डायल 100 मासूम को जिला अस्पताल लेकर पहुंची। वहीं डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि भाई भाई का जमीनी विवाद बेटी की हत्या की वजह बना। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र का है। यहाँ के रहने वाले घनश्याम सिंह का अपने सगे छोटे भाई नारद से कुछ जमीनी विवाद की रंजिश चल रही है। उसी रंजिश के तहत आज नारद अपने पुत्र छोटू और एक अन्य के साथ आया और आते ही उसने अपनी भाभी आरती देवी को मारना पीटना शुरू किया, जिसके चलते उसकी 12 साल की मासूम भी वहां आ गई। तभी नारद ने अपनी भतीजी चेतना को तमंचे से गोली मार दी और घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। बच्ची को गोली लगने की सूचना पर मौके पर डायल 100 की गाड़ी पहुंची, जिसके बाद आनंद फानंद में उसको जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया। मासूम बच्ची की मौत से उसके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं सगे चाचा द्वारा अपनी भतीजी की गोली मारकर हत्या किए जाने की सूचना मिलते ही मौके पर ASP मैनपुरी पहुंच गए, जिन्होंने घटना की बारीकी के साथ निरीक्षण किया। पुलिस के अनुसार सगे चाचा ने अपनी मासूम भतीजी को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जांच की जा रही है। वहीं आरोपी को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।